वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। अभी का ब्लॉग गाड़ी में स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो हम लोग गए थे, कहाँ गए थे नक्शु? दवा खाने गए थे, नक्शु की दवाई लेने। ये इतनी सारी नक्श की दवाई है भाई। नक्श को हो गया है पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन, अब वो क्यों हुआ है पता नहीं है, कुछ खाने में आ गया ऐसा, जैसे कि दो दिन बाहर थे हम लोग। मतलब थोड़ा सा नक्श को हो गया है पेट में, थोड़ी सी उसको पेट में सूजन जैसा हो गया है, मतलब लीवर पे। हाँ देखो ये ऐसे अभी खांस रहा है ना, ऐसे खांस रहा है। इसने खांसते खांसते नक्श ने परसों भी उल्टी की थी, और कल रात को 4 बजे नक्श नींद में से उठ के नक्श ने उल्टियां की है, 2 बार उल्टी की नक्श ने। तो अभी जैसे सुबह हुई तो इसे हम लेके आए डॉक्टर के पास, बच्चों के डॉक्टर के पास लेके आए, बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाया। यहाँ पे हमारे पास में ही है ये सोनल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो बस अभी उसको दिखा के दवाई ववाई लेके 5 दिन का कोर्स दिया है डॉक्टर ने कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा। ORS दिए और एंटीबायोटिक दिए, तो खिचड़ी कटी, तो बस दवाई ले लिए। और अभी ये मेरे हाथ में देखिए क्या है, पार्सल है, पार्सल दवाई का, दवाई का पार्सल नहीं है, इसके पास बहुत अच्छे थे। तो मुझे जो मैं मिर्ची लेके आई हूँ देश गांव से, वो मिर्ची भरने के लिए अभी मेरे पास बोतल नहीं है इतनी सारी। तो वैसे भी मुझे परचेस करनी थी कप्स की, तो अभी मैंने ये कांच वाले की शॉप पे खड़े रह के कांच की बोतल्स ली है मैंने, तो जो कि इसमें पैक है। अभी मैं घर जाके जब खोलूंगी तब आपको दिखाऊंगी। हाँ क्यों, हाँ इसको तुझे पीना है नारियल पानी, अभी पिएगा, पिएगा पूरा। तो अभी एक पिला दो इसे, एक काम करो, हाँ पीना नहीं, इसको मलाई भी खानी है नक्शु को, तो मलाई तो यहीं पे निकाल के देगा ना नारियल में। घर में मलाई नहीं निकलती है, मैं मलाई पानी वाला, नक्शु को मलाई पसंद है तो मलाई पानी वाला लेती हूँ। संदीप रास्ता बंद है आगे से, तो देखो। तो इसको अभी यहाँ पे डॉक्टर ने कहा है कि इसको नींबू शरबत, नारियल पानी, ORS तो दिया है वहीं से, तो नींबू शरबत पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ। तो अभी इसको नारियल पानी पिला रहे हैं, यहाँ पे नक्श को खानी है नारियल पानी में से मलाई, तो वो तो ये यहाँ पे खोल के देंगे ना, तो वहीं पे खाएंगे। शंभू भैया दिन के बाद बोलो नारियल पानी, आप नहीं थे नारियल पानी, कौन सा बनाओ, मलाई पानी वाला, 50 वाला, 60 वाला, 40 वाला, अच्छा वाला 50 वाला दो, लेकिन अच्छा वाला मलाई पानी अच्छे से निकले। मैडम है घर पे, वो खिलाऊंगी मैं इसे, पकड़ो मैं भी ले रही हूँ। तो नक्शु की एग्जाम है सिर पे, और अभी उसको पढ़ाई की तैयारी करनी है। अभी 2-3 दिन तो स्कूल नहीं भेजूंगी मैं, जैसे उसको ठीक नहीं है, तो उसकी टीचर को भी मैं मैसेज करने वाली हूँ कि भाई नक्शु को ऐसा हुआ है, तो अभी तो नहीं आएगा 2-3 दिन, घर पे रहेगा तो आराम रहेगा उसे। अभी वैसे भी स्कूल में क्या है ना, इसका रिवीजन ही चल रहा है नक्श का, कुछ नया कुछ नहीं करवा रहे हैं नया। मैं तुझे आज पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके नींबू शरबत पिलाऊंगी, तो तुझे अच्छा लगेगा। तो नारियल पानी पिलाओ पानी के अलावा। तो डॉक्टर को दिखा के नक्श को आ गए हैं घर पे। नक्श अभी बैठा है, टीवी देख रहा है, वहाँ पे टीवी देख रहा है। उसे अभी आज सुबह से लूज मोशन भी हो गए नक्श को, मतलब आज सुबह से नक्श ने 3 से 4 बार उसकी बेचारे की चड्डी में ही छिछी आ गई है, इतने मतलब लूज मोशन हो गए ना, तो उसकी चड्डी में उसको 3 से 4 बार छिछी हो गई है, चेंज की है। और अभी मैं उसको दवाइयाँ दे रही हूँ, ये एंटीबायोटिक दवाई दी है डॉक्टर ने, जो अभी मैं मिक्स करके नक्श को दूंगी। फिर ये दी है, और ये उसे खांसी भी है, ये उसकी सिरप दी है, जो कितनी बार देनी है, 3 बार देनी है उसे मुझे, 4-4 ml। और ये एक बुखार की दवाई है, जो मतलब बुखार जब मुझे ऐसा लगे कि उसे बुखार आ रहा है तभी देनी है। और ये दी है उल्टी की दवा, उसे जब उल्टी भी रात को भी उल्टी हुई थी, तो अभी उसे मुझे 2 दिन ये देनी है, फिर 2 दिन के बाद अगर ऐसा लगता है कि उल्टी नहीं हो रही है तो फिर नहीं देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है एंटीबायोटिक, जो उसका पेट का इन्फेक्शन हो गया ना, उसे पेट में इन्फेक्शन हो गया है नक्श को थोड़ा, तो अभी मैं इसके ये दवाई बना दूं। और खाने में उसे खाना है
दही दही खिचड़ी दाल चावल ऐसा ही कुछ, उसको नख को लाइट लाइट ही खाना है। तो बस अभी मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है, देखिए कुकर रख दिया है, उसके लिए मैंने खिचड़ी बना दिए। आज सुबह हमने भी थेपले और चाय ऐसा ही नाश्ता किया था, तो हम सब भी संदीप ने कहा मैं भी यही खाऊंगा, दही खिचड़ी खा लूंगा लाइट, तो सबके लिए वही बना दिया मैंने अभी। दही तो मैंने रात को घर में ही जमा दी थी, डॉक्टर ने ऐसा ही बोला है कि दही भी आप उसको बाहर की नहीं देना, जो पैकिंग वाली आती है ना वो नहीं, उसको घर की दही देनी है आपको। तो दही तो वैसे भी मैं घर में जमाती ही देती हूँ रात को, तो रात को मैंने दही जमा दी थी, खिचड़ी अभी बना रही है। ये दवाई ये इसका अलग से पानी आता है, ये इसमें मिक्स करना है। तो दही मैंने जमा दी है, बस अभी खिचड़ी मैंने रख दी है गर्म गर्म। नक्श को खाना भी थोड़ा 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 खाना है मुझे उससे आज, अभी उसके लिए और ये भी दिया है। ये वाले पैकिंग वाले ओआरएस दिए डॉक्टर ने वहां से, अपने मेडिकल से ही दिए, और ये नक्श को दिन में एक पिए या दो पिए तो उससे इससे स्टेमिना रहेगा अच्छा। ये दवाई इसे मिक्स करनी है तो उसको ये देने हैं। अभी तो नक्श ने फ्रिज नहीं खोल, नक्शु अभी तुझे फ्रिज में से कुछ भी नहीं देना बेटा, तो ये थोड़ा गर्म था तो इसको गर्म पीने में अच्छा नहीं लग रहा था। नक्श को ना ऐसे माइंड में सेट हो गया है कि दवाई मतलब दवाई होती है, अभी इसको मैं फ्रूटी दे दूँ ना तो पी जाएगा। अभी ये सब है ना देखो फ्रूटी फ्लेवर में ही है सब, ये ऑरेंज फ्लेवर में, फिर एप्पल फ्लेवर में, मतलब हम भी ये स्टेमिनार के लिए ओवर ऐसे नक्श को दिया है डॉक्टर ने। पता नहीं क्या दवाई लेना तो पसंद ही नहीं आता उसको। चलिए दवा मिक्स हो गई, अभी दे दूं मैं इसे। आजा नक्शु, अभी देखना दवाई लेने में कैसे करता है, देखना। चलो दवाई ले लो। कौन सी दवाई जो डॉक्टर ने दी है भाई? एंटीबायोटिक पहले लेंगे सबसे पहले, फिर ये उल्टी की लेंगे। देख नक्शु ये दो बार लेनी है, ये भी दो बार लेनी है, अभी दो बार लेनी है, ये अभी कितनी बार लेनी है? हाँ देख दो बार लिखी है ना, ये भी दो बार, और ये सब दवाई तुझे दो दो बार लेनी है। ये तो अभी एक बार में दो बार नहीं, मतलब दो बार अभी एक बार लेगा, एक बार शाम को, तभी दो बार होगी, एक साथ कौन दो बार लेता है? ये देख ये लेनी है कि ये लेनी है? अभी पहले तू एक एक करके ये ले ले, फिर तू उल्टी वाली दवा ले ले, तो दो दवा हो गई, फिर दो दवा उल्टी वाली दवा में उल्टी नहीं होगी, उल्टी नहीं हो इसीलिए तुझे दवाई दी है उल्टी की। खाऊंगा ना मोमो तो मेरे पेट में तेरे कुछ बचेगा खाना तो तेरी स्टेमिना बनी रहेगी ना, जो खाएगा निकाल देगा तो कैसे चलेगा। अब बता पहले ये दवाई दूं कि ये दूं? ये मेरे को देना, ये बाद में देनी है, पहले ये उल्टी वाली देनी है। ले ले पानी, चल पानी का गिलास ले ले। ये वैसी नहीं है, वैसी वाली नहीं है ये दवा, इसके ऊपर शो अभी ये दवाई पिएगा ना, फिर इसके बाद मैं आपको चॉकलेट से रख दूंगी, और दवाई कड़वी है भी नहीं, अभी मेरा आधा घंटा जाएगा। वॉमिट नहीं होगी, वॉमिट नहीं होने की दवाई है नक्शु, ऐसा मत कर तू। तो कहा कि ये जाए ना गोली लेने में बहुत नाटक करता है, उन्होंने मुझसे पूछा गोली लेगा, मैंने कहा नहीं गोली लेने में नाटक करता है, तो ज्यादा उन्होंने सिरप ही दिए, देखो ये दो सिरप है, फिर ये एक और सिरप है, सिर्फ एक ही गोली दी है इतनी छोटी सी। चल ले ले अभी, ठीक है मैं ले लेता हूँ। हाँ फटाफट, देखो देखो नक्शु मेरा दो मिनट में कैसे दवाई लेता है, जल्दी कर कर। देखो गोली ले ली नक्श ने, अभी ऊपर चॉकलेट सिरप, दवाई देना तो मतलब मेरे सिर में दर्द है नक्शु। नहीं आप लोगों के घर में भी बच्चे ऐसा करते हैं दवाई लेने, दवाई लेके ऊपर चॉकलेट कौन खाता है और चॉकलेट सिरप कौन खाता है मुझे आप कमेंट्स में बताइए। सिरप ही है उसके बाद कुछ भी नहीं, अभी एंटीबायोटिक है। चलो ये तो देखो अभी ऐसे टू वन, चलो हो गया, चलो बिगड़ सबके ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, एक सिप ले ले।
उसको दवाई दी ना, मतलब मेरे सिर में दर्द है, लेता ही नहीं है जल्दी दवाई। पहले तो छोटा था तभी तो मैं इसको कूट के दवाई एक पकड़ के पिलाती हूँ। ये एक ORS पीने में इसे एक से डेढ़ घंटा लगा दिया नक्शो, और थम्स अप पेप्सी दूंगी ना तो ऐसे भी जाता है, पूछो ही मत। वो भी बोले फ्रिज में ठंडा करके रखो तो मैं पीऊंगा, नहीं तो गर्म नहीं पीऊंगा। तो मैंने चलो ठंडी तो ठंडी पिएगा तो सही, फ्रिज में रखी है मैंने। अभी इसके लिए मैं बनाऊंगी नींबू शरबत, उसको सब डॉक्टर ने। दोपहर में खाना खाया नहीं, बस थोड़ा बहुत फ्रूट खाया, दाड़म खाए और थोड़े से ग्रेप्स खाए, उसके बाद दवाई ली और फिर सो गया, आराम किया। तो मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी दोपहर में, हमने भी वही खाई खिचड़ी, तो इसने तो खाई नहीं। तो अभी मैंने फिर से इसके लिए अभी उठा है, तभी कह रहा है मम्मी मुझे खाना है। अभी मैंने फिर से इसके लिए थोड़ी सी कुकर में फिर से एक बार सीटी लगा दी, गरम कर दी, अच्छी कर रही थी। और अभी ये भाई साहब उठे, अभी इसे लगी है भूख, तो चलिए इसे खिला दूँ हमें खाना। दोपहर में तो आज इसने कुछ भी, आज नक्श ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, उसको रात से इतनी उल्टियाँ हो रही थी ना, मतलब ऐसे अंदर से पूरा इतना खींच खींच के उल्टी कर रहा था, तो वजह से खाने की इच्छा ही नहीं हुई इसे पहले। अभी दवाई तो आज उल्टी नहीं हुई है उसे, और अभी मुझे एक एक, एक सिरप और है जो देनी है नक्शु को, वो दे दूँ और फिर इसे मैं खिला दूँ खिचड़ी। नक्श को ना ऐसे ही खिचड़ी, साबूदाने की खीर ये सभी कहा है, तो साबूदाने तो थे नहीं, अभी संदीप से मैंने मंगाए वो लेके आए साबूदाने, तो अभी मैं थोड़े से साबूदाने भिगो रही हूँ। अभी बजे शाम के 6:30, नक्श को अभी तो मैं खिचड़ी खिला रही हूँ, रात को नक्श को साबूदाने की खिचड़ी या फिर साबूदाने की खीर बना के खिला दूँगी। तो अभी मैंने साबूदाने मंगाए वो भिगो देती हूँ साबूदानों को, तो ना दो घंटे पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद ही अच्छे होते हैं। तो मैं अभी भिगो रही हूँ, खिचड़ी रेडी है बना दूँ, अभी साबूदाने भिगो रही हूँ। तो दो घंटे में हो जाएंगे रेडी खाने के लिए। मुझे जब नक्शु खाना नहीं खाता ना तब मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है आज मेरा दिन ही नहीं निकला उसको खिलाए बिना। अभी वो मांग रहा है, वैसे उसे ठीक भी नहीं है बार बार, इसीलिए थोड़ा कम ही खाए तो अच्छा है। आजा बेटा, नक्शु की हालत आज नक्शु ना आया भी नहीं है, मतलब 2-3 बार उसके मतलब टॉयलेट में इसको इतनी बार जाना पड़ा ना, तो बेचारा लूज हो गया थोड़ा मेरा लड़का, थोड़ा इसकी एनर्जी वीक हो गई। 3 से 4 बार छींची करने गए नक्शु, 4 बार छींची की उसने आज सुबह से, 4-5 बार की छींची आज, थोड़ी एनर्जी इसकी डाउन हो गई आज। अभी इसको दोपहर में खिलाती तो दही के साथ खिलाती खिचड़ी, अभी तो शाम हो गई है तो अभी तो मैं दही नहीं खिलाने वाली इसे, क्योंकि नक्शु को थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो गई है, तो अभी सिर्फ खिचड़ी खिला रही हूँ मैं। चल आ जा। तो संदीप अभी अभी आ गए हैं घर पे, और नक्शु को शाम तक खिलाई थी खिचड़ी, अभी बनाई है उसके लिए, साबूदाने मैंने भिगो दिए थे ना उसकी खिचड़ी बनाई है साबूदाने की। मैंने कहा उसे खीर खाने के लिए, नक्शु कह रहा है मुझे खीर नहीं खानी, साबूदाने की खिचड़ी खानी थी, तो उसके लिए मैंने साबूदाने की ये एक आलू डाल के खिचड़ी बनाई है, और संदीप के लिए यहाँ पे ये टमाटर की ग्रेवी है, सेव टमाटे की सब्जी और हाँ भाखरी बनाई है, सेव टमाटे की सब्जी और भाखरी। तो नक्शु को दे दूँ, नक्शु इतना फास्ट मत खा गिरेगा, इतना जोर से झूला खा रहा है नक्शु, और शैतान मूवी में ऐसे ही बैठ के खा रहे थे ना झूले नहीं नक्शु, और शैतान मूवी में अपने भाई को झूला झुला रही थी वो लड़की, तो ऐसे जोर जोर से झूला खा रही थी वो। आगे बोलता है कि बस अब कितना झूला झूलोगी, वो नहीं वो थोड़ी, वो तो दूसरी सीन में, उससे पहले उसको नहीं बोलता तेरे भाई को आज इतना खेला कि वो थक जाए, तो अपने भाई को जोर जोर से झूले झुलाती है वो। शैतान मूवी अच्छी है, देखने जैसी है, एक बार जाइएगा देखने। नक्शु ले ले, चल आ जा, नक्शु को दे दिया, देखना थोड़ा गर्म है। तो शैतान मूवी में इतने जोर जोर से झूले झुलाती है अपने भाई को, उसका भाई बेचारा बेहोश हो जाता है
तो मैंने भी खाना ले लिया है। नक्शु खा रहा है अपनी साबुदाने की खिचड़ी, संदीप भी खा रहा है खाना। नक्शु को खिचड़ी खाने में मजा नहीं आया, अब उसके लिए मैंने खीर बनाई। खिचड़ी खाने में उसे मजा नहीं आया, साबुदाने तो थे ही, मैंने ज्यादा ही भिगो थे, अभी भी पड़े हैं ये, तो खीर बना दी उसके लिए थोड़ी। वैसे भी आज सुबह से उसने कुछ ठीक से खाया नहीं है नक्शु ने, बस बन गई है अभी। साबुदाना खीर ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, थोड़ी सी पतली, मतलब पतली बनानी है, ऐसा ही बोला था कि ज्यादा ये भी नहीं लगना चाहिए उसको, नक्श को लाइट लाइट जैसे ऐसे बनानी है, जैसे उसे हेवी नहीं लगे। अभी आज दवाई चल रही है ना उसकी, तो लाइट ही बनाई है मैंने, ज्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है। नक्शु तेरी खीर बन गई, चल आजा मैं खिला दूं तुझे। पापा लगा रहे बाहर चक्कर, बाहर चक्कर लगा रहे हैं गैलरी में। चलिए आज का ब्लॉग तो ऐसा ही था, पूरा दिन नक्श की दवा ये वो उसमें ही निकल गया है। कल रात से परेशान था, 4 बजे से उल्टियाँ, लूज मोशन। इस ब्लॉग को मैं भी यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।